बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NS24 इंडिया में। दोस्तों, आज हम आपको कराएंगे लूसेंड के MCQs जो कि आपको जो है सीरीज वाइज मिलेंगे, आपको चैप्टर वाइज, ठीक है। और ये सभी परीक्षाओं में आपके लिए जो है एकदम अच्छे से इसको कर लेना, जो कि आपको जो है किसी भी परीक्षा में आपको परेशानी नहीं पड़ेगी GK की। और इसका हम प्ले लिस्ट बना देंगे और आपका जो है प्ले लिस्ट हम जो है चैनल पर डाल देंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, बताइएगा सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है, इसका माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बताइए किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, बताइएगा इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसकी जो था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ठीक है, यहाँ तक जो है इसकी सिंधु घाटी सभ्यता जो है फैली हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले, मतलब घोड़े के जो अवशेष थे जैसे हड्डी वगैरह है उसके कहाँ से मिले, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुतकोट दा, ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, बताइए कौन से प्रदेश में है कालीबंगन। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरे मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया। तो जो मोहरे बनती थी वो काय से बनाई गई और मुद्राएं भी बनाई गई थी, पहले तो इसमें ये खाली बस ये आपको ये बताना है कि मुद्राएं और मोहरे दोनों जो है किस धातु से बनी थी, एक तरह से ये समझ लें आप, किस मतलब धातु से नहीं मतलब किस चीज़ से बनी थी। तो ये बनी थी आपकी सेल खड़ी से बनी थी, किससे बनी थी, सेल खड़ी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, बताइए कौन से युग की थी हड़प्पा सभ्यता, थी वो आपकी थी वो कांस्य युग की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, मतलब क्या करते थे। तो वो व्यापार करते थे, ठीक है, इनका मुख्य व्यवसाय था। ये हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, बताइए कैसे निवासी थे, तो ये कि शहरी निवासी थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, वो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर जो बनाए जाते थे आपके, वो बनाए जाते थे, क्वेश्चन नंबर 10 का है, ईंटों से बनाए जाते थे, कहाँ से बनाए जाते थे, ईंटों से बनाए जाते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मतलब किस कौन सी जो है वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, वो थे आपके कपास के लिए, ठीक है, कपास के लिए सर्व उत्पादन करते थे, सबसे ज़्यादा जो कपास का उत्पादन करते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन था, बताएं सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, वो की थी आपकी दयाराम साहनी ने, कब की थी, 1921 में की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था, बताइए पंतनगर बंदरगाह कौन सा था आपका, 13 का आंसर करें आप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोथल, क्या था, लोथल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, पैमाने की खोज ये सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे, ये खोज कहाँ हुई थी, ये पता कर रहे हैं कि जो पैमाने मिले हैं वहाँ से, जो उसके वो थे मन, वो क्या कहते हैं, बाट वगैरह मिले हैं, कुछ ऐसी तोलने की चीज़ें मिली हैं, तो ये कहाँ से मिली है, बताइएगा।
तो 14वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लोथल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, मतलब बटा हुआ था, किन वर्गों में विभक्त हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम उपयुक्त नाम कहाँ क्या है, बताइए सबसे ज़्यादा, तो इसे कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, क्या कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, बताइए कौन सा, तो ये था आपका जो है देवी ये क्या करते थे, देवी और देवताओं की पूजा किया करते थे, क्या करते थे, देवी और देवताओं की पूजा किया करते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, तो मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, तो 90 का आंसर करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था उन्होंने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, बताएं, तो इनकी सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, क्या थी, उचित समतावादी, ठीक है। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया, बताइएगा किस कौन से को कहा गया, तो 21 का आंसर करें आप, तो 21 का आंसर होगा मोहनजोदड़ो को, ठीक है, किसको कहा गया, मोहनजोदड़ो को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, वो था आपका आयताकार, ठीक है, 22 का आंसर हो जाएगा आप, सॉरी 22 का हो जाएगा त्रिभुजाकार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 23, ये कह रहे हैं कि एक तरफ जो है आपका स्थल दिया हुआ है, एक तरफ आपका नदी दी है, ठीक है, कह रहे हैं इसको जो मिलान कीजिएगा, सूची 1 से सूची 2 को जो है मिलान कीजिएगा, ठीक है, तो 23 का जो आप मिलान करें वो किस तरीके से करेंगे, देखो सीधा सीधा है बिल्कुल, हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा और कालीबंगन घग्गर, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, बताइए हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो 24 का इसका आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगन, कहाँ से मिला, कालीबंगन से मिला, ठीक है, कहाँ से मिला, कालीबंगन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का आकलन अंकरण किस स्थान से मिला है, मतलब अंकरण मतलब उस पर कुछ छपा हुआ था, बताइए क्या चीज कहाँ से मिला, 25 का आंसर हो जाएगा आपका ये कालीबंगन से, ठीक है, कालीबंगन से मिला। चलिए मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, बताइए मोहनजोदड़ो जो है कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंध में, सिंध प्रांत में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 27, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नागार पाया गया, मतलब बड़ा स्नागार कहाँ पाया गया बताओ, तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया, ठीक है, कहाँ पाया गया, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आप, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रकन मिलता है, बताइए कौन से देवता का, ये औद शिव का मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, इसका आंसर करें आप 29 का, 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोथल में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, बताओ क्या नाम है, तो ये आपको सबको पता है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, ठीक है, वहाँ से जो है मतलब कंकाल बहुत मिले हैं, कंकाल तंत्र जो होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, सिंधु सभ्यता का
प्रचलित नाम है, क्या नाम है बताओ? सिंधु घाटी सभ्यता ही होना चाहिए, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। 31 का आपका क्या हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। चलिए अगला है, सेदब सभ्यताओं के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? सबसे ज़्यादा किसका हुआ? बैल का हुआ, ठीक है, किसका? बैल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, मतलब कैसे जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? बताइए कौन सा स्थान जो भारत में स्थित है सिंधु सभ्यता का। 34 का आंसर करें, 34 का आंसर हो जाएगा आपका लोथल, ठीक है, लोथल है भारत में। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर, बताइए सबसे पुराना शहर कौन सा खोजा गया भारत में? 35 का आंसर करें, 35 का आंसर हो जाएगा आपका ए, हड़प्पा खोजा गया, ठीक है, क्या खोजा गया? हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्षी मिले, मतलब सबसे ज्यादा साक्षी मिले हैं कहाँ से मिले हैं बताओ चांदी के? 36 का आंसर हो जाएगा आपका ए, हड़प्पा संस्कृति से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा, ठीक है, तो ये कह रहे हैं मात देवी की उपासना की जाती थी। नहीं, मात देवी की नहीं, ये वो उसकी करते थे, एक मिनट रुकेगा, तो ये जो है मात देवी की भी नहीं, ये करते थे, ये तो स्किन की तो करते थे, मात देवी की उपासना करते थे, लोहे से परिचित थे, मतलब यही गलत है, मतलब लोहे से लोग परिचित नहीं थे, ठीक है, लोहे से तो लोग परिचित थे ही नहीं। चलिएगा, बाकी सब चीज़ें सही हैं। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान कीजिएगा, तो ये आपको सामने दिख रहा है कि सूची वह फर्स्ट से मिला हुई है एक तरह से, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? बताइए मांडा जो था वो आपका था सतलज के, ठीक है, सतलज के किनारे पर स्थित था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? बताइएगा इसका सही आंसर, बताएं हड़प्पा 40 का, तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सतलुज हो जाएगा। चलिए 41 का आंसर करें, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चला, बताइएगा 41 का आंसर करें, तो 41 का आंसर धोलावीरा से, ठीक है, धोलावीरा में जो है इनका जल प्रणाली जो थी बहुत अच्छी थी, जो कि इनका जल निकासी जो बनी हुई थी इनकी बहुत अच्छी थी, ठीक है, बहुत एक तरह से आज के टाइम पर देखा जाए तो आज के टाइम से भी अच्छी इनकी जल प्रणाली थी, कि जो पानी जाता था वो उसका डायरेक्ट जो है कहीं नहीं रुकता था, ठीक है। चलिए बताइए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? बताइएगा, तो लाल का हुआ था, जो हम कहते हैं लाल मिलत मिरत भांड, तो वो यहीं से मिले थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये होता आद ऐतिहासिक काल, ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? 44 का आंसर बताएं, तो ये आपको मिले हैं मोहनजोदड़ो से, किससे? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो आपको मैंने बताया अभी, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, ठीक है, जो राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी, जो कितने में? 1922 में, ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 में, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, रंगपुर कहाँ, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, बताइए कहाँ थी? तो ये थी आपकी सौराष्ट्र में, ठीक है, कहाँ थी? सौराष्ट्र में थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, बताइए कौन थे? पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? 47 का सही आंसर, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा आपका सर जॉन मार्शल, ठीक है, कौन थे? सर जॉन मार्शल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापार संबंध थे, मतलब उनसे पता चलता है कि मेसोपोटामिया की
किससे जो है व्यापार संबंधित थे। बताइए 48 का आंसर आप करें तो 48 का आंसर होगा बेल की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 49। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, बताएं किस में विश्वास करते थे, तो ये मातृशक्ति में विश्वास करते थे बस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। 50 का आंसर करें तो सही इसका हो जाएगा कोट दीजी। क्यों था कोट दीजी नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, बताओ कौन सी मानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विशाल स्नानगार, जो कि नहाने की एक जगह मिली है वहां पर। ठीक है, जैसे हम स्विमिंग पूल कहते हैं आज के टाइम पे, ऐसी। चलिएगा, हड़प्पा कालीन लोगों ने घरों की विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, बताओ वो ग्रिड पद्धति अपनाई थी उन्होंने, कौन सी ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, जो कि इस तरीके से थी, इस तरीके से। ठीक है, सीधी सीधी काटती थी उसको। चलिएगा, ये कह रहे हैं सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान कीजिए, तो सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को आप जो है मिलान कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा, वही 53 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर बी, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं पहले का दूसरा, ठीक है, और दूसरे का पहला, इस तरीके से आप जो है इसको कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण आकलन नहीं हुआ था, बताएं कौन किसका नहीं हुआ था, तो शेर का नहीं हुआ था। ठीक है, 44 का आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहे से परिचित नहीं थे बस। ठीक है, बाकी सबसे परिचित थे। निम्नलिखित में किस स्थल से युगल शासन, मतलब कह रहे हैं कि कौन सी जगह से जो है एक साथ दो मुर्दे मिले हैं, एक तरह से मतलब वही जैसे कि कंकाल मिले हैं एक साथ कबर में से, बताइएगा कहाँ से मिले हैं। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका लोथल से मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 57। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे, वो सिंडन नाम से जानते थे, किसे, सिंडन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ, कह रहे हैं जो हड़प्पा के काल में जो तांबे का रथ था वो किस स्थान से प्राप्त हुआ था, बताइएगा इसका 58 का आंसर बताइए। 58 का आंसर हो जाएगा आपका दहमाबाद से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, चांदी टिन और सोना, तीनों करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे, मतलब लाजवर्द था कुछ ऐसा, वो थी सामग्री थी इसकी जैसे कि लाजवर्द। ठीक है, तो 60 का आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, बताइए, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, कौन सा, मुंडीगाक और सुतकोद गोई। ठीक है, चलिए कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, बताइए कौन कौन से जो है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो इनमें सभी थे ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव औध शिव मोहर से किन किन जानवरों का आकलन मिलता है, तो सभी जानवरों का आकलन मिला है। ठीक है, किस किस का, हिरण का, गेंडे का, भैंसे का और हाथी का, इनका सबका मिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है,
बताइएगा इसका सही आंसर 64 का, 64 का सही आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से, ठीक है। 65 का, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की पिस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न से किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं, इसका सही आंसर करें आप 66 का, 66 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चुनहुदड़ो से, कहाँ से, चुनहुदड़ो से। चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और उसके जो बराबर में बेल आइकन होता है ना उसको भी दबा दें, ताकि हम जो कोई भी आपको पास जो भी हम आपके स्टडी से स्टडी रिलेटेड मटेरियल डाल दें, जो भी कुछ आपका जो है अपलोड करें वो आपको जो है एकदम टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चुड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है, लोथल से। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई, मतलब कह रहे हैं स्वतंत्रता के बाद एक तरह से, ठीक है, कहाँ पर हुई सबसे ज़्यादा, तो ये हुई थी आपकी गुजरात में, ठीक है, कहाँ हुई थी, गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खदनन था, मतलब खाने का वो था इनका, तो सबसे जो नहीं था पूछ रहा है, ठीक है, तो कौन सा नहीं था, चावल नहीं था, कौन सा नहीं था, 69 का चावल नहीं था, ठीक है। चलिएगा, इसमें पता क्या जा रहा, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, हाँ बिल्कुल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा लौकिक का मतलब लोगों की, तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वचस्वशाली नहीं था, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ठीक है, तो दोनों ही सही हैं, क्या है, दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, कह रहे मिलान कीजिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए, तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान अगर हम करते हैं तो मांडा कहाँ था, बताएं, मांडा था आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है, और दहमाबाद कहाँ था आपका महाराष्ट्र में, और कालीबंगन जो था आपका वो था आपका राजस्थान में, और राखी गढ़ी जो था आपका वो था हरियाणा में, ठीक है, तो इसका ये मिलान है, ठीक है। चलिएगा, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो लोहे की नहीं हुई है, ठीक है, बाकी सबकी हुई थी, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, किसके नहीं हुए, शेर के प्राप्त नहीं हुए, ठीक है। चुनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था, बताइएगा, ये क्या था, J.H. मेके ने, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था, बताएं, तो महलुआ किया गया था, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।